आप देख सकते हैं सामने बामन डोंगरी स्टेशन है, ना प्रशासन कुछ कर रहा है ना ही लोकल लोग कुछ कर रहे हैं, और यही परिस्थिति बनी हुई है। जी हाँ, यह आप देख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों। जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और उल्वे नोड, जी हाँ, जो कि बसा खुशहाली के लिए, लेकिन आज उल्वे नोड की जो आज बहुत दिनों के बाद बरसात गिरी है। जी हाँ, आज है 11 सितंबर 2020, और मैंने आज कुछ रस्तों का सर्वे किया, कुछ एक बाइक वाला जो गिरते गिरते बच गया उसको भी मैंने पूछने की कोशिश की, और मैंने एक बाइकर जो रोड यूजर है उसका भी एक छोटा सा संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं जनता इस बात को समझे, अपने अधिकारों को समझे। मुझे ये न्यूज बना के मैं लोगों के लिए, यदि मैं कोरोना के बारे में भी कुछ बोल रहा हूं तो आपको कुछ समझना चाहिए कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि कोरोना बढ़ रहा है, और कोरोना बढ़ रहा है ये वास्तविक बात है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना एक खिलवाड़ है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के घर में डेथ हुई है कोरोना की वजह से, आप उनसे मिलने की कोशिश कीजिए। यदि मेरे चैनल को कोई कोरोना पॉजिटिव होके डेथ हुई है और ऐसा कोई परिवार मेरे चैनल को देख रहा है, तो प्लीज प्लीज प्लीज, यदि आप जो इसको जाना था, हम उसके लिए तो दुखी हैं, लेकिन यदि आपका परिवार में से कोई हमें मैसेज भेज सकता है या हमें पर्सनल कॉल कर सकता है, तो जरूर हमें कॉल कीजिए। 976 मेरा नंबर आ जाएगा आपके उस पे, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कॉल करें। और ये जो रस्तों की हालत है, इसके जिम्मेदार कौन है? इतने दिन तक बारिश नहीं हो रही थी, इतने पॉटहोल्स हैं। अभी अभी आपने मेरी न्यूज में देखा होगा कि एक भाई जो है वो हाईवे के ऊपर उनकी बाइक से गिर के मृत्यु हो गई। ऐसे कितनी ही मृत्यु है जो हमसे छूट जाती है, हमारे चैनल से छूट जाती होंगी, हमें पता नहीं चलता होगा, या दूसरे चैनल दिखाते होंगे। तो मैं चाहता हूं कि जागरूकता पहले, आप जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक ऐसे ही चलते रहेगा। जी हाँ, न्याय अन्याय होते रहेगा, लोग स्टोरीज बनाते रहेंगे। आजकल मीडिया जो कर रहा है ना, ट्रेजेडी, ड्रामा, सस्पेंस, एडवेंचर जो दिखा रहा है, सच्ची बातों को दिखा नहीं रहा है। जीडीपी नीचे जाती जा रही है, अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यहाँ पे कोई हीरोइन यदि वो किसी प्रॉब्लम में आती है तो उसको केंद्र से मिनिस्टर आके बात करने लगते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए ऐसे फूहड़ मीडिया को हम कंडम करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, यदि आप सच्ची पत्रकारिता देखना चाहते हैं तो आप एक चैनल है जो मुझे पसंद है, मैं आप पे लादना नहीं चाहता हूँ, ये आपकी मर्जी है, आप देखें ना देखें, लेकिन NDTV इंडिया को जरूर देखिए। और खास करके मैं बोलूंगा रविश कुमार प्राइम टाइम और रविश कुमार देश की बात को जरूर देखिए, ताकि आपको कुछ एक एक चीज मिल सके। जी हाँ, मैं एक मुहिम भी शुरू करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, उस मुहिम के बारे में मैं आपको अपडेट देते रहूंगा। लेकिन फिलहाल आपको मैं दिखा रहा हूँ उल्वे की रोड की हालत, उल्वे की खस्ता हालत, उल्वे में रहने वाले लोग किस तरह से डेंजर का सामना करते हुए रह रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर कल ही न्यूज में देखा होगा कि सचिन राजे येरुंकर, जिन्होंने आवाज उठाई शमशान के लिए, जिन्होंने आवाज उठाई सुलभ शौचालय के लिए, उल्वे में एक भी सुलभ शौचालय नहीं है। आप सोचिए ये बातें कब से चली आ रही हैं। इन चीजों सबको ध्यान में रखते हुए आप जनता जो कि ये सारी चीजें बर्दाश्त कर रही है, वो किस लिए बर्दाश्त कर रही है, किस लिए? आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जहां जिस कंट्री ने बाबा साहेब अंबेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति को जन्म दिया, और बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में मीडिया को चौथा स्तंभ बनाया, किस क्या लिहाज से मीडिया को चौथा स्तंभ बनाया होगा? क्या इसलिए कि वो छोटे छोटे पॉकेट में बिक जाए, कॉन्ट्रैक्टर लोग खरीद लें, सीट को खरीद लें? अगर आपको हमको हमारी सच्ची मदद करनी है ना, तो मदद कीजिए, लेकिन
हमसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप कुछ गलत करेंगे तो हम उसको एक्सपोज नहीं करेंगे, हम वो भी दिखाएंगे जो आप को नहीं करना चाहिए। जी हाँ, यदि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो आप मुझे बताइए, मैंने कुछ गलत बोला है अभी इस वक्त किसी भी जनता, जब आप कमेंट करते हो उस वक्त आप बताइए मुझे, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें। और आप कमेंट में अगर अभद्र भाषा भी इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज से मैं आपको भी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। आपको लाइक दबाना है दबाओ, नहीं दबाना है मत दबाओ, आपका अंतर आत्मा क्या बोलती है उसे सुनिए और फिर बात कीजिए। आपकी अंतर आत्मा क्या बोलती है, आंख बंद कीजिए 2 मिनट के लिए और सोचिए कि आपके परिवार में किसी व्यक्ति की कोविड से मृत्यु हुई है, यदि हुई है तो हमसे संपर्क कीजिए और आंख बंद करके सोचिए। आपके घर में अगर नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके सोचिए, 2 मिनट सोचिए कि यदि ये ऐसी घटना आपके घर में हुई होती तो क्या आप इस कोरोना की बढ़ती बीमारी के लिए विरोध के लिए नहीं आते। अगर आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति, आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपका पिता यदि इस तरह की बीमारी से गया होता तो आपकी बहन, तो क्या आप सामने नहीं आते। सोचिए जरा। अब देखिए रोड की हालत, ये है सपनों का शहर उलवे नोड। रोड्स की हालत देखिए, आप देख सकते हैं क्या खस्तर और रोड है। तो आज देखते हैं प्रशासन क्या कर रहा है। जी हाँ, रस्तों की हालत खराब है, रस्ते बुरी तरह से, इस तरह से ये देखिए आप बीच में खड्डा, बीचों बीच रोड के बीचों बीच अगर इसमें कोई दो पहिया जाएगा तो क्या होगा, बड़ा खड्डा रहेगा तो रोड पे एक्सीडेंट होएगा, कोई इसका जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। ये कुछ खास जगहें मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे मेन रोड पे, जी हाँ, इस तरह से खड्डे हैं। ये आप देख सकते हैं सामने बामन डोंगरी स्टेशन है। ना प्रशासन कुछ कर रहा है ना ही लोकल लोग कुछ कर रहे हैं और यही परिस्थिति बनी हुई है। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप ये आप देख सकते हैं। जी हाँ, रोड की हालत देखिए, गाड़ियों का अब पुख्ता हाल हो जाएगा, ऐसी रोड है। और ये देखिए, ये भी प्रमुख जगहें हैं, चौक है, यहाँ पे भी आप रस्तों की हालत देख सकते हैं। देखिए स्कूटर का पहिया थोड़ा सा उसमें बच गया, ये देखिए, ये है रोड की हालत।
हम लोग एक एक रोड यूजर से बात करेंगे जी हाँ, जो जो कि रोड का इस्तेमाल करते हैं, टू व्हीलर पे रहते हैं, टू व्हीलर हमेशा खतरे की बात रहती है। सर आप किस तरह से महसूस करते हैं जब आप इन तरह की रोडों पर बाइक बाइक इट्स नॉट सेफ एट ऑल या सेफ्टी नहीं है, बहुत सारे पोर्टल्स है, मिसमैनेजमेंट है, तो हमेशा एक डेंजर रहता है जी। घर से निकलते हैं तो लगता है घर पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे जी, तो ये चीज तो हमेशा रहती है जी। मिसमैनेजमेंट बहुत है, पोर्टल्स है जी, एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस है ऐसे लगता है जी। याद रखिए निर्णय जनता का होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष, किसी भी पक्ष का साथ देते बिना, डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए।